आज मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में, और हरिद्वार रानी गली जहाँ पर शिविर का कार्य चल रहा है, हमें जानकारी लगी कि कुछ शिविर का कार्य सही नहीं हो रहा है, तो कुछ घरों में पानी घुस गया है, कुछ यहाँ के लोग असंतुष्ट हैं, जो लोग बता रहे हैं कि सही कार्य नहीं हो रहा है, देख रेख में नहीं हो रहा, कौन अधिकारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं पता। और ये गली है, अब आपको दिखाएंगे गली, देखिए शिविर का काम हो रहा है यहाँ पर, और अभी यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी जानकारी लूँगा कि क्या यहाँ पर परेशानी खड़ी हुई है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से काम हो रहा है। देखिए ये ढक्कन लगाया गया है, इसमें वो साइड के ढक्कन ये पुराने लगा दिए गए हैं, टूटा है ढक्कन, वो देखिए उधर से सब वो सीमेंट से इसको कस दिया गया है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि काम जो हुआ है, जो भी रोड का भी काम हुआ है और शिविर का भी काम हुआ है, वो सही नहीं हो रहा है। अभी हम जानकारी लेंगे कि किस तरह का काम हो रहा है, कैसा हो रहा है। अभी आप यहाँ पर ये देखिए, रोड अभी ताज़ी बनी है और यहाँ से दब गई है, और इधर देखेंगे इधर पानी कैसे भरा हुआ है घर के अंदर, शिविर का पानी है, पूरा पानी भरा था इस कमरे में। और जिनका ये घर है मैं उनसे ही जानकारी लूँगा बाकी की क्या परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ रही है। हाँ, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश पुरी है। राजेश पुरी जी यहाँ पर मौजूद है, और अभी जो देख रहे हैं कि आपके घर के अंदर पानी भी घुसा है, शिविर का पानी, अभी क्या परेशानी आपको हो रही है आप बताएंगे? बहुत परेशानी हो रही है, जब से ये रोड बनी है बहुत दिक्कत, काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये रोड सीसी की रोड बननी थी, लेकिन किस तरह से हमने पास कराया, और टाइल जो बनी है ठेकेदार ने एकदम गलत काम किया है। उसने ऐसा काम किया कि नीचे, इसके नीचे सीसी होती है उसके बाद टाइल लगती है, लेकिन नीचे से इसमें मिट्टी डालने के बाद ऊपर से टाइल लगा दी गई। टाइल के नीचे से उसमें छेद है, उसमें शिविर का पूरा पानी हमारे घर में, देखिए आप, पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। और अभी तीन चार दिन पहले इस पानी को मेरे छोटे भाई ने बड़ी मुश्किल से, सामने देखिए आप, ये रेत है, ये रेत पूरा रेत, ये ढेर लगा हुआ है, और इसको बड़ी मुश्किल से रात के 12 बजे तक उसने बाहर निकाला है। पूरे घर में आधे आधे पैर तक पूरा पानी घुसा हुआ था, और पूरा शिविर का पानी, पूरा जो आश्रम बने हुए हैं वो अपना पंप चला देते हैं, वो पूरा पानी टाइल के नीचे से हमारे घर में होता हुआ, तब पता नहीं कहाँ से छेद हो गया और वहाँ से बाहर जा रहा था। बड़ी मुश्किल साफ़ करने के बाद फिर दोबारा से ये पानी जो है, देखिए, हमारे घर के अंदर पूरा घुस गया, और अब पूरा ये लैट्रिन का पानी है। इससे बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ। अभी ये रोड बने कितना समय हो गया? मुश्किल से इस रोड को बने 1 हफ्ता हुआ है, और ये मैंने ठेकेदार से बात की थी, ठेकेदार ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई बात नहीं मानी, और ये बिल्कुल गलत रोड बनी है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से, आपने अभी बता दिया है कि किस तरह से ये रोड अभी 1 हफ्ते पहले बनी है, और इसका हाल देखिए किस तरह का है। आप खुद देखेंगे एक साइड से दब भी चुकी है पानी, इसके नीचे होने की वजह से, शिविर का गंदा पानी है इसकी वजह से ये रोड दब चुकी है एक साइड से, और अभी 1 हफ्ता ही हुआ है कुल। और इसका जो भी जिम्मेदार है, ठेकेदार है, जो लोग करा रहे हैं, जो भी जिम्मेदार है, उनको ये देखना चाहिए कि ये जो है काम सही क्यों नहीं हो रहा है, कौन सही कराएगा, कौन जिम्मेदार है, लेकिन इसकी सज़ा कौन भुगत रहा है? जनता, जो जनता वोट देती है आज के समय में, और उनको जिता के, चुनाव में जो है जिता करके उनको नेता बनाती है, और वही नेता ये काम कराते हैं, और बिना निगरानी के ये काम होता है। अभी आपने देख लिया कि एक छोटी सी जगह पे इतनी बड़ी घटना है कि पूरे घर के अंदर इनके पानी घुसा है, और भी कई जगह ऐसी परेशानियां होगी, इसको कौन देखेगा? अभी और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, मैं उनसे ही बात करूँगा। आपको कैसा लगता है ये जो रोड बन रही है, कैसी बन रही है? बिल्कुल बेकार। अब देखिए, बता दिया है कि बिल्कुल बेकार रोड बन रही है। अब जो लोग रह रहे हैं वो, उन्हीं को पता चल रहा है कि ये रोड कैसी बन रही है, उन्होंने खुद कह दिया है कि बेकार है, और कोई यहाँ मुझे लगता नहीं कि ये काम करके जो है चेक कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। और न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये खबर को जितना फैला सकें फैलाइए, और ये ताकि वहाँ तक पहुँचे जो इस काम के ज़िम्मेदार हैं, उनको इसके बारे में पता चले कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और वो क्या नहीं कर रहे हैं। और इसी न्यूज़ के साथ मैं रानी गली से विजय कुमार, CCN न्यूज़ चैनल 24।